रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को कबीर का नमस्कार। क्लासिक कारवां पे एक बार फिर आप सुन सकते हैं कुछ दिलकश गीत, कुछ यादगार पल बांटते हुए एक बार फिर ये कारवां निकल पड़ा है अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, आप सब वक्त निकालकर हमें मैसेजेस भेजते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपके रिकॉर्डेड मैसेजेस भी हमें सच में बहुत इंस्पायर करते हैं। कारवां पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी जिंदगी के यादगार पल और साथ ही सुन सकते हैं कुछ यादगार गीत। दोस्तों, जिंदगी के खूबसूरत लम्हों के साथ जुड़ी यादें वाकई में बेशकीमती होती है और अगर कोई गीत उस सिचुएशन से मैच हो जाता है तो हमें एक खास फीलिंग होती है और ये फीलिंग बयान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको सुनाते हैं कुछ यादगार गीत, गजलें, नगमे, क्योंकि धीरे धीरे ये गीत हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जिंदगी के इस सफर में हमने एक कारवां सजाया है और इस सफर में हमें आप सभी का साथ हर कदम पे मिलता है, ये जानकर वाकई बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ संगीत के इस सफर पे चलते रहिए और अपनी पसंद के दिलकश गीत सुनते रहिए। आपकी इस दोस्ती को हम हमेशा खास मानते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती हमेशा बनी रहे। दोस्ती प्यार का मीठा दरिया है, पुकारता है हमें, आओ मुझ में नहाओ, डुबकी लगाओ, प्यार का सौंधा पानी हाथों में भर कर ले जाओ, आओ जी भर कर गोता लगाओ, मौज मस्ती की शंख सीपियां जेबों में भर कर ले जाओ। दोस्ती का दरिया गहरा है, फैला है, दोस्ती प्यार का मीठा दरिया है, पुकारता है हमें, आओ मुझ में नहाओ, डुबकी लगाओ। धार है नदिया की,
बादल है ये कुछ पल का, छा कर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ ही नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मांगों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 28 सितंबर लता जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपके लिए लाए हैं लता जी द्वारा गाए हुए कुछ बेहतरीन गीत। हर दिल अजीज भारत रत्न विजेता लता जी को उनके जन्मदिन के खास मौके पर देते हैं ढेर सारी बधाइयां। हैप्पी बर्थडे लता जी, आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। कल पांव जमीन पर
दोस्तों कारवां पे आज हम बात कर रहे हैं लता दीदी के बारे में और साथ ही हम आपको सुना रहे हैं उनके गाए हुए कुछ खूबसूरत गीत। संगीत के क्षेत्र में लता जी ने शुरुआती दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना किया। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का भी बोझ उनके ही कांधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। 1948 में जब लता जी ने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि मशहूर सिंगर्स की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी एक अलग पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता जी का पहला गाना एक मराठी फिल्म किती हसाल के लिए था मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो में ले गए, जिसमें उस समय की मशहूर अभिनेत्री कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता जी को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता जी की खूब चर्चा हुई, लेकिन जैसी प्रसिद्धि उन्हें चाहिए थी वैसी मिली नहीं। फिर 1949 में लता जी को एक ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला इस गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला जी पर फिल्माया गया था। ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही और लता जी और मधुबाला जी दोनों के लिए बेहद ही शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवां पर आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं 28 सितंबर मशहूर प्लेबैक सिंगर हम सब की पसंदीदा हर दिल अजीज लता जी का जन्मदिन है और इसी खास मौके पर कारवां पे हम आपको सुना रहे हैं लता दीदी के गाए हुए कुछ बहुत ही प्यारे गीत। लता जी को बधाई देते हुए आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं। आप सभी लिसनर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो वक्त निकाल कर हमें मेल भेजते हैं, रिकॉर्डेड मैसेजेस भी भेजते हैं और हमसे अपने विचार शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिलहाल मेरे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है सुगंधा गोड़े जी ने। सुगंधा जी एक प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर हैं और उनकी जय नटराज डांस एकेडमी मुंबई के विरार में है। उनकी ग्रैंड डॉटर अनु भी बहुत अच्छा डांस करती है और अपनी नानी को डांस क्लासेस में हेल्प भी करती है। थैंक यू सो मच सुगंधा मैम हमें मैसेज भेजने के लिए। साथ ही सुगंधा जी ने हमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजा है, आइए सुनते हैं क्या कहती हैं वे। नमस्ते कबीर सर, मैं सुगंधा घोड़े विरार से बोल रही हूँ। मेरा डांस क्लास है जय नटराज डांस क्लास। आपके छोटे छोटे स्टोरीज एंड शेरो शायरीज इंटरव्यूज बहुत अच्छे लगते हैं। आपके माध्यम से आज हमारे सबके फेवरेट लता मंगेशकर जी को विश करना चाहती हूँ। इनके गाने एवरग्रीन हैं, जैसे मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया, डफली वाले, मोहे पंगट पे, ऐसे ही अनगिनत गाने हैं जो हम हमारे वक्त से सीखते आ रहे हैं और आज की पीढ़ी भी यही सब गाने सिखाने की डिमांड करती है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आज आपके माध्यम से हम लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लता मंगेशकर जी के कुछ पुराने गाने सुना दीजिए। थैंक यू कबीर सर।
जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। माँ मुझे देख के नाराज ना हो जाए कहीं, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। दोस्तों, वाकई में अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार इंसान की सही पहचान होती है। लता जी हमेशा से नम्र और सरल रही है। मध्यम वर्गीय साधारण परिवार में जन्मी लता जी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ही एक आदरणीय मकाम हासिल किया है और वाकई में वो एक बेमिसाल गायिका और साथ ही एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। हम उनके गाए हुए गीत सुनाकर उनके प्रति शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लता जी शुक्रिया हमें इतने सुरीले प्यारे प्यारे गीत देने के लिए। Hey!
दोस्तों 28 सितंबर एक बहुत ही खास दिन संगीत प्रेमियों के लिए, क्योंकि इसी दिन 1929 को सुरीली आवाज वाली प्यारी सी लता दीदी का जन्म हुआ था। और इसी खास मौके पर कारवां पे हम आपको सुना रहे हैं लता दीदी के गाए हुए कुछ खूबसूरत दिलकश गीत। दोस्तों कारवां पे आज हम बात कर रहे हैं लता जी के बारे में, और साथ ही हम आपको सुना रहे हैं उनके गाए हुए कुछ खूबसूरत गीत। जैसे कि आप सभी जानते हैं 28 सितंबर लता जी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के मौके पर हमारे कई लिस्नर्स हमें भेज रहे हैं रिकॉर्डेड मैसेजेस। अगला मैसेज आया है सचिन की तरफ से। सचिन एक स्टूडेंट है और लता जी की तारीफ में वो कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन आज आपको एक बेहतरीन आवाज की मालकिन लता मंगेशकर के जन्मदिन पर कुछ गुनाना चाहता हूँ। हर लफ्ज को अपनी आवाज से गाना बना दे,
उस गाने को अपने सुरों के तड़के से जिंदा बनाते। लता जी, आपकी आवाज में तो वो जादू है जो दूर बसे सितारों के शहरों को भी हिला दे। गाने इतने सुंदर कि रोते को आप हंसना सिखा दे। संगीत की दुनिया में आपके सुर छाए हैं, आप हर गाने के साथ हर बार कुछ नए रंग लाए हैं, कुछ नए रंग लाए हैं। धन्यवाद लता जी, आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई। जीवन की होली दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं 28 सितंबर के दिन सुर कोकिला लता जी का जन्मदिन है और इसी खास मौके पर कारवां पे हम आपको सुना रहे हैं लता दीदी के गाए हुए कुछ बेहद ही सुरीले और दिलकश गीत। हमारे कई लिसनर्स हमें ईमेल के माध्यम से रिकॉर्डेड मैसेजेस भेज रहे हैं और वो हम आपको सुना रहे हैं। फिलहाल हमें एक और मेल आया है जो भेजा है शशि शेखर ने पुणे से। वो एक आईटी इंजीनियर है और लता जी के जन्मदिन के मौके पर
अपने कुछ विचार हमसे शेयर करना चाहते हैं और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम शशि शेखर है और मैं पुणे से बोल रहा हूँ। आदरणीय लता मंगेशकर जी के जन्मतिथि पर उन्हें अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ और उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। लता मंगेशकर जी संगीत जगत की वो महान शख्सियत हैं जिनको हमारे तीनों पीढ़ियों, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और फिर हम लोगों ने सुना है और हमेशा से उनके आवाज़ के दीवाने रहे हैं। चाहे वो गाना लग जा गले हो या दिल तो पागल है या फिर ऐ मेरे वतन के लोगों, उनकी आवाज़ हमारे कानों में शहद की तरह घुल जाती है और मन करता है कि बस उन्हें सुनते ही रहें। मुझे लगता है हमारी स्वर कोकिला की तरह अब तक ना तो कोई हुआ है और ना ही आगे भी कोई होगा। आज उनकी जन्मतिथि पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखें और उन्हें लंबी उम्र प्रदान करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आप सभी समझ गए होंगे कि आज हम आपको लता दीदी के गाए हुए गीत सुना रहे हैं। दोस्तों, लता जी हर एक हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा स्थान है और श्रद्धा स्थान भी है। कई नौजवान गायक गायिका उनसे इंस्पायर होके सिंगिंग को अपना करियर बना चुके हैं। कई इंसान तो सिर्फ उनके गाने सुन सुन के ही अच्छे गायक भी बन चुके हैं। इस वक्त हमारे पास लता जी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक और मैसेज आया है, जो भेजा है अभय सिंह वाघचौरे ने। अभय फिलहाल पढ़ रहे हैं और संगीत भी सीख रहे हैं। अभय ने अपने रिकॉर्डेड मैसेज में लता जी के लिए अपनी आवाज में
एक मराठी गाना भी डेडिकेट किया है। नमस्कार, मी अभय सिंह वागचौरे। आज लता दीदींचा वाढदिवस आहे। सर्वप्रथम त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि त्यानिमित्ताने मी त्यांनीच गायलेलं मोगरा फुलला हे भक्तिगीत सादर करतो। मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले बेचिता बहरू कळिया सियाला, फुले बेचिता बहरू कळिया सियाला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और क्लासिक कारवां पर आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज।
और जैसे कि आप सब जान रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं गान कोकिला मेलोडी क्वीन लता जी के बारे में, और साथ ही हम आपको सुना रहे हैं लता जी के गाए हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन गीत भी। हमारे बहुत सारे श्रोता लिसनर्स हमें मैसेजेस के माध्यम से लता जी को जन्मदिन की बधाइयां भेज रहे हैं। ये कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं और कुछ रिकॉर्डेड मैसेजेस भी है। इस वक्त फिलहाल मेरे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है हमें नेल्सन ने। नेल्सन फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और वो कहना चाहते हैं कि वो लता जी के बहुत बड़े फैन हैं और इस मौके पर वो लता जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं और उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई भी देना चाहते हैं। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, लता मंगेशकर जी, आज इन्हें कौन ही नहीं जानता। लता मंगेशकर जी हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी गायिका है। लता मंगेशकर जी जिन्हें हमारे देश की कोयल भी कहा जाता है, जो भारत रत्न से भी सम्मानित है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी। एक अकेली लता मंगेशकर जी ऐसी गायिका है जिनका गाना ए मालिक तेरे बंदे हम पाकिस्तान में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। उनके बारे में एक बेहद ही अच्छी बात है कि जब वो रिकॉर्डिंग रूम में जाती है तब वो चप्पल बाहर ही निकाल कर जाती है और हमेशा सफ़ेद साड़ी धारण करती है, क्योंकि वो गाने को पूजा मानती है। यह बहुत ही अच्छी बात है उनके बारे में। वह एक अच्छी गायिका होने के साथ ही एक अच्छी व्यक्ति भी है। वह मन से बहुत ही साफ है, जिन्हें कोई बात का घमंड नहीं है और बहुत ही सादे स्वभाव की है। हमारी लता जी क्रिकेट के भी बहुत ही बड़ी फैन है। लता जी आसामिया, बंगाली, डोंगरी, मणिपुरी, उड़ीसा और कई भाषाओं में गाने गा चुकी हैं। वे अभी तक 30,000 से भी ज़्यादा गाने गा चुकी हैं। 1999 में लता जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, लेकिन खराब तबीयत के कारण वो सांसद नहीं जा सकती। पर वह इतनी महान थी कि उन्होंने उसके एक महीने की भी सैलरी नहीं ली। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, वह लता मंगेशकर जी को अपनी माँ मानता है। 1962 में कहा जाता है कि एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी लता मंगेशकर जी के साथ। उन्हें जहर दिया गया था और उन्हें इससे बाहर निकलने में 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा था। और शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुना। धन्यवाद। दोस्तों कारवां पे आज हम बात कर रहे हैं लता दीदी के बारे में और साथ ही हम आपको सुना रहे हैं उनके गाए हुए कुछ खूबसूरत गीत। दोस्तों लता जी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। लता जी के जन्मदिन के खास मौके पर हमारे कई लिसनर्स से बातें की, उनके मैसेजेस सुनाए और आप सभी को लता दीदी के कुछ बेहतरीन गीत सुनाए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा है। आप अपने व्यूज और फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं एक ईमेल के द्वारा। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है।
अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो, अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं, अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। ये लौ बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है, ये लौ बचा लो यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बगुला बनकर, यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर, कहीं तो अंजामो जुस्तजू के सिरे मिलेंगे, अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। जाने क्या